आइए फ्रेंड्स, आज का अपना जो टॉपिक है आरओ मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि आज का जो सेशन होने वाला है इसमें हम लोग समझेंगे कि रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट में जिस मेम्ब्रेन का इस्तेमाल किया जाता है उस मेम्ब्रेन को मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, उसको बनाया कैसे जाता है। इस डायग्राम की हेल्प से हम लोग समझेंगे कि जो मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग क्या होती है, यानी कि आरओ की जो मेम्ब्रेन है वर्क कैसे करती है, उसके द्वारा वाटर को कैसे ट्रीट किया जाता है, उसको परमिट वाटर और कंसंट्रेट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हम लोग ये भी समझेंगे कि आरओ के मेम्ब्रेन के अंदर कितनी लेयर्स होती हैं, उस लेयर्स के एक एक नाम्स को भी हम लोग जानेंगे। इसके अंदर जितने भी एसेट्स लगे होते हैं उससे भी हम लोग आज अवेयर होंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आरओ मेम्ब्रेन से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी बताई थी, जैसे कि आरओ मेम्ब्रेन कितनी तरह की होती है, इसकी साइज कैसी होती है, यानी कि इसके ऊपर जो कोड लिखा रहता हो उसका मतलब क्या होता है, इसकी पोरस साइज कितनी होती है इसको भी बताया था, और इसके ऊपर जो जो कुछ एसेट्स लगे थे उसको भी मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में मैं भी थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो के अगर जब लास्ट तक बने हैं तो आपको जरूर समझ में आएगा कि आरओ के मेम्ब्रेन को मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, आरओ की जो मेम्ब्रेन है उसकी फंक्शनिंग क्या होती है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को बजाना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही कोई नई अपडेट्स या नई वीडियो आएगी तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और समझते हैं आरओ मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इस डायग्राम की हेल्प से कि जो आरओ की जो मेम्ब्रेन है उसको मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है। अगर आप आरओ की मेम्ब्रेन को देखे होंगे तो देखने में कुछ ऐसा ही अपीयर होता है। तो आरओ की मेम्ब्रेन को लेके मैंने क्या किया, इसको बीच से क्या किया, कट कर दिया, और इसके अंदर के सभी लेयर्स को देखते हैं कि इसके अंदर कितनी लेयर्स हैं। तो आरओ की मेम्ब्रेन को कट करने पे आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं जिसको मैंने अलग अलग कलर से क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है, जिससे इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो आरओ की मेम्ब्रेन को जब काटते हैं तो इसमें हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में कर रहे हैं, मेम्ब्रेन के बारे में। इसमें जो देखते हैं कि मेम्ब्रेन का ये जो है ये है मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, एक थिन जो क्या होती है, थिन लेयर होती है, जिसकी अगर इसकी थिकनेस देखा जाए तो 1 से 1.5 mm की हो सकती है। एक फ्लैट शीट होती है जो इसके ऊपर क्या होती है, रैप होती है। तो ये जो बनी होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, ये 3 मटेरियल से मिलके बनी होती है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस जो मेम्ब्रेन की एक पीस को हम क्या करते हैं, यहाँ से कट करते हैं और इसके जो व्यू को थोड़ा बढ़ाते हैं, यानी कि इसके व्यू को थोड़ा लार्ज करते हैं। तो उसमें देखते हैं कौन कौन से मटेरियल है और उसकी साइज क्या है। तो मैंने एक मेम्ब्रेन का कट ले लिया है, यहाँ पे मेम्ब्रेन का कट है पूरा। इसमें देखते हैं कि जो मेम्ब्रेन है 3 मटेरियल से मिलके बनी है। जो फर्स्ट जो टॉप लेयर होता है वो होता है पॉलिएस्टर लेयर, जो सेकेंड जो लेयर होता है पॉलीसल्फोन लेयर होती है, और जो लास्ट लेयर होती है जो सबसे अंत में जो लगाई जाती है वो होती है पॉलिएस्टर बेस होती है। तो इसमें हम लोग जो देखते हैं कि ये जो थिन लेयर थी इसको अगर हम लोग लार्ज किए तो इसमें क्या मिला हमको, सबसे जो ऊपरी लेयर है वो है पॉलीएमाइड लेयर, जिसकी जो माइक्रोन साइज होती है वो 0.2 माइक्रोन की होती है। उसके नीचे जो होती है पॉलीसल्फोन लेयर होती है, जिसकी जो पोरस साइज देखा जाए तो माइक्रो पोरस साइज की होती है। यानी कि अगर जब हम वाटर को आरओ मेम्ब्रेन के अंदर पास कराते हैं तो क्या होती है, और जो 0.2 माइक्रोन से ज्यादा साइज का कोई पार्टिकल है, कोई इम्प्योरिटी है, तो इसके द्वारा ट्रैप हो जाएगा। अगर उससे छोटे साइज का पार्टिकल हो तो वहां से पास होकर आएगा किस लेयर पे, पॉलीसल्फोन लेयर पे आएगा। पॉलीसल्फोन हम लोग जानते हैं कि क्या है, माइक्रो पोरस साइज का है। माइक्रो पोरस साइज का है तो इसकी जो साइज है बहुत ही कम होगी। हम लोग एज्यूम करते हैं कि इसकी मान लीजिए अगर पोरस साइज है 0.0001 है, जैसे कि हम लोग जानते हैं जो आरओ की जो मेम्ब्रेन की पोरस साइज क्या होती है, 0.0001 ही होती है। तो इतना है तो इसके द्वारा क्या होगा, इससे जो बड़ी साइज की कोई भी इम्प्योरिटी होगी तो यहाँ पर ट्रैप हो जाएगी, उससे छोटी होगी तो पास होगी। तो जो वाटर का मॉलिक्यूल है वही से पास हो सकता है, यानी कि जो सॉल्ट है, यानी कि जो कॉमन सॉल्ट है उसको भी हम लोग जानते हैं उसकी भी जो माइक्रोन साइज होती है वो 0.0007 की होती है, जो कॉमन सॉल्ट जो NaCl होता है, ये भी इससे पास नहीं हो सकता। पानी में बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है, जैसे कि पानी में केमिकल होता है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होती है, बैक्टीरिया होती है, तो वो सब क्या करेंगे, इसके अंदर आएंगे और यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं, और यहाँ से क्या होगा, जो परमिट वाटर होगा वो इससे पास होते हुए वो जाएगा नेक्स्ट शीट पे। तो इसको ये कैसे होती है, ये जो फाइन शीट होती है इसको हम लोग एक एनिमेशन वीडियो के द्वारा समझ लेते हैं इसके पूरे व्यू को। तो इसमें देखिए एक जो बहुत ही पतली शीट है, देखिए पतली शीट अपीयर हो रही है इसको, और जो हम लोग इनलार्ज कर रहे हैं तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें 3 लेयर है।
जो सबसे जो टॉप लेयर है वो है अपना पॉलीएमाइड लेयर, उसके जो नीचे है वो है पॉलीसल्फोन लेयर, और लास्ट जो बेस जो होती है वो होती है पॉलिएस्टर बेस होती है। ये तो हमने देख लिया कि मेम्ब्रेन के बारे में। आशा करते हैं कि आपको मेम्ब्रेन तो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि कितनी फाइन शीट होती है और इसी कितने मटेरियल से मिलके बनी होती है, यानी कि कितने मटेरियल होते हैं, कितने कंपोजिशन होते हैं जो इससे क्या होती है मेम्ब्रेन बनी होती है। अब हम लोग समझेंगे मेम्ब्रेन के बाद वाली, यानी कि ये मेम्ब्रेन के ऊपर जो सीट है ये क्या है। तो मेम्ब्रेन जो होती है, मेम्ब्रेन के अंदर जो वाटर है वो प्रॉपर आए और वाटर का फ्लो बराबर बना रहे, इसीलिए मेम्ब्रेन को जो मेम्ब्रेन बनाते हैं तो जो मेम्ब्रेन सीट होती है उसको क्या करते हैं, जो फोल्ड करके डालते हैं, फोल्ड करके उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके बीच में एक सीट डालते हैं, उस सीट को क्या बोलते हैं, फीड स्पेसर। क्या बोलते हैं उसको, फीड चैनल स्पेसर बोलते हैं, या इसको बोलते हैं फीड वाटर कैरियर भी बोलते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा जो वाटर होता है वो ट्रेवल करके आगे की तरह जाता है, और ये भी एक हेल्प करता है कि जो वाटर है वो एक मतलब कांस्टेंट फ्लो में, याद कि लेमिनर फ्लो में ऐसे सीधा ना जाए, उसमें जो वाटर है उसमें टर्बुलेंस हो, तो ये भी करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। इसके द्वारा क्या करता है कि जो वाटर है वो ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आती है, ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया लेती है, जिससे जो वाटर है वो ज्यादा से ज्यादा फिल्टर होता है। तो यहां से देखिए क्या होती है, ऐसे इसके द्वारा क्या करती है, जिग जैग मोशन होते हुए नेक्स्ट फॉरवर्ड होती रहती है और ये कंसंट्रेट होकर यहाँ से निकल जाती है, और जो वाटर क्या करती है फीड स्पेसर से पास होके किस में आती है, मेम्ब्रेन में आती है, और मेम्ब्रेन से पास होते हुए कहाँ पर आती है, नेक्स्ट सीट पे आती है। नेक्स्ट सीट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग परमिट कैरियर। नाम से लग रहा है कि परमिट कैरियर कुछ अलग ही है, यानी कि जो भी फीड स्पेसर से या फीड चैनल स्पेसर से होते हुए जो पानी जो ट्रेवल कर रहा था, ये अगर मेम्ब्रेन से पास होगा तो मेम्ब्रेन क्या होगी, हम लोग बोलेंगे फोल्ड करके, अगर मेम्ब्रेन खुलेगी तो इसके अंदर क्या रहेगा, फीड स्पेसर रहेगा। तो दोनों साइड क्या है, मेम्ब्रेन, यानी कि फीड स्पेसर के ऊपर भी मेम्ब्रेन है और नीचे भी मेम्ब्रेन है, तो जो पानी जो ट्रेवल करेगा नीचे भी जाएगा और इधर भी जाएगा, दोनों साइड क्या होगी, दोनों साइड से फिल्टर होगा, दोनों साइड जो मेम्ब्रेन के जो आउटर में क्या होती है वो होती है परमिट कैरियर, यानी कि इधर से भी फिल्टर होगा तो परमिट कैरियर के पास जाएगा और नीचे से भी फिल्टर होगा तो परमिट कैरियर के पास ही जाएगा। तो यहां से आती है और यहां से जो पानी है वो ट्रेवल करते हुए ऐसे कहां जाती है, वो सेंटर लाइन की तरह जाती है, ये यहां से जाएगी कहां जाएगी, सेंटर लाइन में जाएगी, सेंटर लाइन से होते हुए कहां जाती है, एक सेंटर पाइप के पास, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, परफोरेटेड सेंट्रल ट्यूब बोलते हैं। जो भी परमिट वाटर होता है इस लाइन से होते हुए क्या होती है, परमिट लाइन से होते हुए यहां से क्या होती है, वो निकल जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। तो ये होती है, इसके और फ्लो देखा जाए तो यहां से इस तरह से जाएगी और यहां से निचले आएगी, इसका जो डायरेक्शन ऐसे कैसा होगा, नीचे की तरह आएगा और यहां से फिर से क्या होती है, रिवर्स हो जाती है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चलती है और जाती है कहां पर, सेंट्रल पाइप में जाती है और सेंट्रल पाइप से होते हुए परमिट वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। और जो मेम्ब्रेन को हम लोग काटे थे तो देखते थे कि इसके ऊपर एक टॉप में एक सीट होती है, उस सीट को क्या बोलते हैं, जो आउटर जो रैप होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आउटर रैप। इसी से क्या होती है, जो मेम्ब्रेन होती है पूरी क्या होती है, कवर होती है। तो ये तो हम लोग समझ लिए मेम्ब्रेन को। अब एक एनिमेशन वीडियो के द्वारा समझ लेते हैं कि जो मेम्ब्रेन की मैन्युफैक्चरिंग कैसी होती है। तो मेम्ब्रेन को मैन्युफैक्चर करने के लिए सबसे पहले लेते हैं एक परफोरेटेड पाइप, परफोरेटेड पाइप के ऊपर क्या करते हैं, एक लगाते हैं परमिट कलेक्टर कैरियर, या परमिट कलेक्टर की जो सीट होती है उसको लगाते हैं, थोड़ा सा उसको लगा के उसको रैप करेंगे। रैप करने के बाद जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, फोल्ड करके उसके बीच में फीड स्पेसर डालते हैं और इसके देखते हैं कि एक लेयर उसका लगाते हैं, फिर उसको यू शेप में क्या करते हैं, जो ग्लू को लगाते हैं उसको चिपका देते हैं, फिर उसके ऊपर मेम्ब्रेन की शीट डालते हैं जिसके अंदर क्या होता है, फीड स्पेसर होता है, फिर इसको ग्लू लगाते हैं। ऐसे ही हमको जितने साइज का मेम्ब्रेन बनाना है उतने लेयर्स में इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने के बाद उसको क्या करते हैं, रैप करते हैं, यानी कि उसको वेल मैनर्ड में धीरे 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 सीएनसी मशीन को ऑपरेट करेंगे और उसको रैप करेंगे, क्योंकि जो भी प्रोसेस हो रहा है वो सीएनसी मशीन के ऊपर ही हो रहा है। तो उसको रैप कर लिए, रैप करने के बाद उसको क्या करते हैं, इसके ऊपर हम लोग एक आउटर जो रैप होती है वो लगाते हैं, जो हार्ड स्विफ्ट होती है, जियो एफआरपी की हो सकती है। रैप होने के बाद हमारा जो मेम्ब्रेन है कुछ ऐसा अपियर होने लगता है,
तो मेम्ब्रेन के दोनों साइड देखते हैं कि जो दोनों साइड क्या है वो हमारी मेम्ब्रेन पूरी पूरी दिख रही है, यानी कि अगर जब हम उनको प्रेशर से पानी और जो उसके अंदर फ्लो कराएंगे तो जो मेम्ब्रेन की सीट है वो डैमेज हो जाएगी। तो अब उससे बचाने के लिए क्या करते हैं, तो मेम्ब्रेन के ऊपर क्या देखते हैं कि हम लोग लगाते हैं एक इंड कैप, इधर भी लगेगा और इस साइड भी लगेगा। तो यहां भी इंड कैप लगा देते हैं, इसको क्या बोला जाता है, इंड कैप को बोला जाता है एंटी टेलीस्कोपिक कैप, या इसको शॉर्ट में ATD भी बोला जाता है। यहां भी लगेगा और यहां भी लगेगा, क्या करता है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि जो वाटर होता है, वाटर को क्या है, हाई प्रेशर पे जो मेम्ब्रेन के अंदर फ्लो कराते हैं, हाई प्रेशर पे मेम्ब्रेन के अंदर फ्लो कराते हैं, टेलीस्कोपिक कैप नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, जो मेम्ब्रेन की जो सीट है वो डिस्टर्ब होगी और फट सकती है और डैमेज हो सकती है। तो सिस्टमेटिक वे से हमारा वाटर इसके अंदर जाए और ट्रीट होकर परमिट वाटर या कंसंट्रेट में कन्वर्ट हो और हमारी जो मेम्ब्रेन है डैमेज ना हो, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ATD को यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं दोनों साइड में इंड कैप में। तो वाटर यहां से गया, वाटर अंदर की साइड जाता है और यहां से ऐसे फ्लो होते हुए जाएगा और यहां से परमिट होते हुए परमिट कलेक्टर से होते हुए कहां जाएगा, सेंट्रल पाइप में। और सेंट्रल पाइप से हम लोग देखते हैं कि ये सर्कुलर मोशन में घूमते 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 क्या होता है, परमिट लाइन होते हुए जो परमिट वाटर निकल जाएगा और कंसंट्रेट इधर से निकल जाएगा और यहां से निकल जाएगा। इसमें एक चीज और समझ लेते हैं कि जो आरओ की जो मेम्ब्रेन है एक चीज के अंदर होती है, प्रेशर वेसल के अंदर होती है। तो प्रेशर वेसल के अंदर इसको जब डालते हैं तो इसके ऊपर लगाते हैं हम लोग ओरिंग लगाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है ब्राइन सील। क्या बोला जाता है, ब्राइन सील बोला जाता है। इसका वर्क क्या होता है कि जो आरओ की जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन और जो प्रेशर वेसल है उसके बीच में कोई गैप ना रह जाए, उसको क्या करें फुल फिल करने के लिए एक आपको ओरिंग जैसा देखेगी वो जिसके ऊपर लगी होती है, किसके ऊपर, मेम्ब्रेन के ऊपर लगी होती है और ये किधर होती है, मेम्ब्रेन के फीट साइड में होती है। तो इसका यूज इसलिए हम लोग करते हैं कि जो अगर जो हाई प्रेशर पर क्या करें और जो वाटर को इसके अंदर फीड कर रहे हैं तो बाईपास होके वो ना निकल जाए। तो ये क्या करती है, लॉक करती है, इन दोनों का जो कॉन्टेक्ट है उसको बनाए रखती है और इसके द्वारा क्या करता है, कोई भी वाटर क्या होता है पास होकर, यानी कि जो भी वाटर जो पास होगा वो मेम्ब्रेन से होके ही पास होगा। तो कैसे मेम्ब्रेन को इंस्टॉल करते हैं एक एनिमेशन वीडियो के द्वारा देख लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, जो प्रेशर वेसल है, प्रेशर वेसल के अंदर क्या कर रहे हैं, मेम्ब्रेन को डाल रहे हैं। ये जो प्रेशर वेसल की साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि इसके अंदर कितने मेम्ब्रेन फीड होंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक मेम्ब्रेन को इसके अंदर डालते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि ये क्या करते हैं, कनेक्टर लगा रहे हैं, कनेक्टर लगाया, फिर दूसरे मेम्ब्रेन को डाल रहे हैं, फिर कनेक्टर लगाया, फिर तीसरे मेम्ब्रेन को डाल रहे हैं। ऐसे क्या करते हैं, जो प्रेशर वेसल के अंदर जो मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो मेम्ब्रेन क्या है, इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो अगर जो हम लोग इसके अंदर फीड देंगे, हाई प्रेशर अगर फीड देते हैं तो क्या होती है, फीड कहां से होती जाएगी, इस पोरस से होते हुए जाएगी, जो यानी कि जो फीड स्पेसर से होते हुए जाएगी और यहां से होते हुए कहां जाएगी, परमिट कलेक्टर पर, परमिट कलेक्टर से होते हुए जाएगी कहां पर, सेंटर लाइन में, जो परफोरेटेड सेंटर ट्यूब पे जाएगी और ये कैसे जाती है, पूरा एक सर्कुलर डिस्क बनाते हुए जाती है और घूमते घूमते कहां जाती है, सेंटर लाइन पे जाती है और यहां से परमिट निकल जाता है और यहां से कंसंट्रेट निकल जाता है। ऐसा करते हैं तो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और इसके अंदर इतना हाई प्रेशर क्यों देते हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि हमारी जो मेम्ब्रेन होती है उसकी जो पोरस साइज है बहुत ही कम होती है। अगर हम इसको हाई प्रेशर से अगर फीड नहीं करेंगे तो वाटर इसके द्वारा यानी कि फीड स्पेशल पे ही ट्रेवल करेगा और जो मेम्ब्रेन के अंदर क्या करेगा, ये पास नहीं होगा। इसीलिए जो मेम्ब्रेन को बनाते हैं तो उसकी जो प्रेशर होती है वो डिसाइड होती है कि कितने प्रेशर पे क्या करती है जो मेम्ब्रेन है ये वर्क करेगी। तो आशा करते हैं कि आज के सेशन में आपको समझ में आ गया होगा कि आरओ की मेम्ब्रेन को मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाता है, इसकी वर्किंग और प्रिंसिपल्स क्या होती हैं, मेम्ब्रेन कितने लेयर से मिलकर बनी होती है और मेम्ब्रेन वर्क कैसे करती है, इसके द्वारा जो वाटर है वो कैसे ट्रीट होता है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को बजाना ना भूलिए। अगर जब ऑन डिस्कशन हो तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को एक्टिवेट कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।